वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रीन स्टार एंड आई एम योर हॉस्ट दिनेश कुमार। और आज हम करेंगे क्लास प्लस वन का लेक्चर थर्ड बिजनेस स्टडी में जो चल रहा था बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन का। हमने पढ़ा बिजनेस क्या होता है, फिर हमने पढ़ा प्रोफेशन क्या होता है। थर्ड आज का जो हमारा लेक्चर है वो करेंगे हम एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट को हिंदी में कहा जाता है रोजगार। यानी कि अगर एक पर्सन है वो परफॉर्म करता है कुछ एक्शन कुछ वर्क फॉर अदर्स, अगर आप दूसरे के लिए कोई काम कर रहे हैं कोई कार्य करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। जैसे एक व्यक्ति है कोई भी एक्स वाई जेड मान लो एक्स है और उसके नीचे क्या करते हैं, उसके अंडर दो वर्कर हैं वो क्या करते हैं कार्य कर रहे हैं, चाहे वो ए हो और एक है हमारा बी। तब ए और बी जो क्या है इसके लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए, एक्स के लिए। तो एक्स कौन हुआ, ऑनर, ऑनर मतलब बॉस, ठीक है। और बॉस के जो नीचे काम कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे वर्कर्स, ठीक है। तो अगर वर्कर है और वो क्या कर रहा है, अपनी क्या करता है, यूज़ करता है अपनी स्किल्स, और वो क्या करता है, फिजिकली वर्क कर रहा है या मेंटली वर्क कर रहा है अपने बॉस के लिए, तो वो वर्कर्स क्या कहलाते हैं, हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट कहलाते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के बिना किसी पैसे दिए अगर आप किसी के बॉस के अंडर काम कर रहे हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट और उसके लिए आपको मिलती है सैलरी, अगर आप दिमाग से काम करते हैं अपना मेंटली अपना यूज़ कर रहे हैं, मेंटली दिमाग का यूज़ करते हुए अगर आप कोई कमाई करते हैं, या अगर आप फिजिकली वर्क करते हैं तो आप वर्कर है आपको वेजेस मिलती है, तो उन दोनों से आप जो कमाई कर रहे हैं वो क्या कहलाती है, हमारी एम्प्लॉयमेंट कहलाती है। यानी कि एज अ सर्वेंट आप क्या करते हैं, अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने बॉस को, तो आप क्या कहलाते हैं, यहाँ पर एक सर्वेंट यानी कि नौकर की भूमिका अदा कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट में, जिसमें हम हमारे बॉस होता है और बॉस क्या करता है, हमें इंस्ट्रक्शन करता है, काम समझाता है बताता है, उसी को मद्देनजर रखते हम अपने काम को डन करते हैं। जैसा बॉस बोलेगा जिस तरह से बॉस बोलेगा आपको वो काम परफॉर्म करना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार। क्लियर हो गया आपको, तो रोजगार में क्या होता है, परफॉर्म करते हैं वर्क फॉर अदर लाइक बॉस, बॉस के लिए आप अपने ऑनर के लिए वर्क परफॉर्म कर रहे हैं कार्य कर रहे हैं उसी को बोलते हैं हमारा एम्प्लॉयमेंट। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं एम्प्लॉयमेंट की फीचर्स कि एम्प्लॉयमेंट होता क्या है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, कहता है कि अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विसेज एग्रीमेंट। याद रखना कि जब आपको किसी कंपनी में या कहीं भी बिजनेस में आपको जॉब मिल जाती है, आपको वर्क करने की परमिशन मिलती है, तब आपके साथ क्या होता है, आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सर्विस का एग्रीमेंट बोलते हैं। आपको साइन किया जाता है एक साल के लिए, छः महीने के लिए, या एक स्पेसिफिक वर्क कंप्लीट होने तक आपको क्या किया जाता है, कंपनी के द्वारा एक एग्रीमेंट दिया जाता है। उस एग्रीमेंट में ये लिखा होता है कि आपको क्या उस दौरान सैलरी मिलेगी या वेजेस मिलेगा, ठीक है, आपके साथ क्या रूल्स होंगे, कब आना है आपको, कब आपकी छुट्टी होगी, कब कब छुट्टी आपको अलाउड होगी, सैटरडे संडे आपका ऑफ होगा, इस तरह से कुछ एग्रीमेंट तैयार किए जाते हैं जिसमें सैलरी भी डिस्कस कर ली जाती है, वेजेस डिस्कस कर लिया जाता है, तो उसे बोलते हैं अपॉइंटमेंट लेटर। आपको मिलेगा कि आप कंपनी में ज्वाइन हो चुके हो और आपका सर्विस का एग्रीमेंट बन जाएगा कि आप फर्म में कुछ समय के लिए काम कर रहे हैं, आपको क्या सैलरी वेजेस आपको दिया जाएगा, कंपनी में आपका क्या पोस्ट होगी, ये आपको सारा एम्प्लॉयमेंट लेवल पहले ही लिख लिया जाएगा, एक एग्रीमेंट में नोट कर दिया जाता है। तो एम्प्लॉयमेंट में जैसे ही आपको रोजगार मिलता है तुरंत आपका एक अपॉइंटमेंट लेटर बनेगा, एक एग्रीमेंट तैयार कर दिया जाता है। तो ये थी फर्स्ट फीचर। सेकंड है हमारी परफॉर्म ऑफ वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और द रूल्स ऑफ सर्विसेज। जो आपके सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना जो काम है वर्क है वो परफॉर्म करना पड़ता है। आप अपना काम कैसे करोगे, जैसे आपके एम्प्लॉयर चाहते हैं, उन्होंने क्या किया होगा, कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया होगा कि आपको सुबह 8 बजे आना है, आपको इस मशीन पर बैठना है, इस पर काम करना है, कितने घंटे काम करना है, कब आपका लंच होगा, कितनी आपको सैलरी वेजेस मिलेगी, इस प्रकार आपका जो एक्शन परफॉर्म किया जाना है, आपकी जो सर्विस दी है जानी है उसका कॉन्ट्रैक्ट पहले तैयार होता है, उसमें जो भी रूल्स लिखे जाते हैं सर्विस के आपको उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, रूल का मतलब ही यही होता है कि आपको उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अब जो रूल्स हैं वर्क के या आपकी सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखे गए हैं आपको क्या करना है, उन्हें परफॉर्म करते हुए वर्क को उन्हें ध्यान में रखना है। तो ये मैं कह सकता हूं कि आप अपना काम परफॉर्म करें अच्छे से करें, ये चीजें इसमें होती हैं, रोजगार में होती हैं, क्योंकि ऑनर बॉस आपके हर काम पर हर एक्टिविटी पर नजर रखता है। तो एक एम्प्लॉय है अगर आप, तो आपको अपने ऑनर के हिसाब से उनके कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस के हिसाब से सारे काम करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स।
नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज पर प्रिस्क्राइब्ड बाय एम्प्लॉयर। आपका जो भी एम्प्लॉयर होगा, मान लीजिए आप ए हैं या बी हैं, आपके एम्प्लॉयर हैं, आपके जो बॉस हैं, आपको क्या करेंगे, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपकी जितनी भी नॉलेज है, आपकी स्किल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग दी जाएगी एक स्पेशल काम के लिए, जिस काम के लिए आप अपॉइंट किए गए हो। मान लीजिए आप एक कंपनी के अंदर एक क्लैरिकल की पोस्ट पर आप नियुक्त कर दिए जाते हो, तो आप क्लर्क हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, प्लस टू आप पास हैं या ग्रेजुएट हैं आप, तो उसके बाद आपका क्या चेकिंग होगा, क्वालिफिकेशन चेक होने के बाद आपको उसी हिसाब से ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप एक क्लर्क के रूप में कैसे काम कर सकते हैं, अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं, ये चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। आपके जैसे भी आपका ऑनर बोलेगा, जिस तरह का काम आपका ऑनर आपको कहेगा, वही आपको सिखाया जाएगा। एग्रीमेंट में ये सब चीज़ पहले से ही तय होती हैं। तो एम्प्लॉयमेंट में अगर आप नौकरी कर रहे हैं कहीं पर, रोजगार कर रहे हैं, तो आपकी क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग आपको क्या दी जाती है, स्पेशल काम करके बताया जाता है, सिखाया जाता है, ताकि आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट आपका सैलरी एंड वेजेस। हाँ जी, जब आप कहीं पर एम्प्लॉय हैं, एज अ सर्वेंट आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तब आपको एम्प्लॉयर के जरिए क्या दिया जाएगा, आपको सैलरी या वेजेस दी जाती है। सैलरी अगर आप क्या करते हैं, दिमाग से कोई काम कर रहे हैं, मेंटली आपका हरेसमेंट हो रहा है, तो आपने कोई फिजिकल वर्क किया है, तो आपको क्या मिलती है, वेजेस मिलती है, क्योंकि लेबर को क्या मिलती है, वेजेस, और कोई एम्प्लॉय है उसको मिलती है सैलरी। क्लियर हो गया आपको चीज़, अगर आप क्या करते हैं, फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो वेजेस, मेंटली वर्क कर रहे हैं तो सैलरी आपको मिलेगी। ये बहुत कंपल्सरी चीज़ है, ये आपको मोटिवेट करता है, ये मॉनेटरी इंसेंटिव है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं, जो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए आपको ये रिवॉर्ड है, ये तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा काम को करने के लिए। और ये सैलरी क्या होती है, आपके वर्क के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पॉइंट, नो कैपिटल रिक्वायरमेंट। बहुत बड़ी बात है ये, क्या कि एम्प्लॉयमेंट शुरू करने के लिए, आपको रोजगार करने के लिए आपको क्या है, कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना है। मान लीजिए आपके बॉस हैं और वो बॉस ने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, लाखों करोड़ों रुपया उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, सिर्फ आपने क्या करना है, उस कंपनी को ज्वाइन करना है एज अ वर्कर, एज अ एम्प्लॉय आपने वहाँ ज्वाइन करना है। आपके पास कुछ क्वालिफिकेशन डिग्री होनी चाहिए काम को करने के लिए, जिसकी आप जॉब करना चाहते हैं, बस आपको एक रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना है। तो इसलिए कहता है कि नो कैपिटल रिक्वायरमेंट, आपको कोई भी पैसा है वो इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, पढ़ लिख जाएं और नौकरी के लिए अप्लाई करें, आपको जब रोजगार मिल जाएगा तब आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी सेवाएं देनी होंगी, या फिजिकल या मेंटली, जो भी आप जिस तरह का वर्क आपको मिला है, ठीक है। तो आपको यहाँ पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, नो नीड ऑफ कैपिटल, यानी कि नो नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट आपका फिक्स्ड एंड रेगुलर पे, यानी कि नो रिस्क। आप एक बात ध्यान रखें, अगर आप किसी फर्म में एम्प्लॉय हैं और आपको क्या मिलती है, सैलरी एंड वेजेस आपको मिल रहा है, अब फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे कोई मैटर नहीं करता, आपने तो काम किया है ना, आपको क्या मिलेगी, उसकी सैलरी या वेजेस आपको मिलेगी। यानी कि आपको फिक्स्ड है, आपको जो रेगुलर सैलरी अगर आप आ रहे हो, आपको पे मिलती रहेगी, आपको क्या है, कोई रिस्क नहीं है। फर्म को इवन चाहे फर्म का सामान नहीं बिक रहा है, फर्म को लगातार लॉस हो रहे हैं, फर्म घाटे में जा रही है, तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एम्प्लॉय को ये बेनिफिट मिलता है कि उन्हें तो उनकी सैलरी मिलती ही है, थोड़ा आगे पीछे मिल जाएगी, लेट मिल जाएगी, बट सैलरी मिलेगी जरूर। यानी कि आपकी फिक्स्ड है, रेगुलर पे आपको मिलेगी, आपको जो रिस्क है वो ना के बराबर है, क्योंकि आप तो सिर्फ वहाँ क्या है, एज अ वर्कर, एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आपको वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट और हमारा लास्ट पॉइंट है, वो है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नॉट पॉसिबल। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना इंटरेस्ट है वो दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। आप मान लीजिए किसी कंपनी में या किसी गवर्नमेंट जॉब पर लग जाते हैं, मान लीजिए आप ये बी हैं, ठीक है, आपको एज अ वर्कर अपॉइंट कर दिया गया है, आप एम्प्लॉय आप लग गए हैं, ठीक है, ये मान लीजिए आप बी हो और आप एम्प्लॉय बने हो, मान लीजिए आपको गवर्नमेंट जॉब मिली है, ठीक है, कहाँ मिली है, इन अ स्कूल, मान लो आप स्कूल के अंदर क्या बन गए हैं, एक लेक्चरर बन गए हैं, गवर्नमेंट पोस्ट आपको मिल गई है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, जैसे कि ये नहीं है कि आप लगे तो आप अपनी जगह पर अपने भाई को भेज दें, या अपनी बहन को भेज दें, या अपनी हस्बैंड है, या अपनी वाइफ है, किसी को भी आप दूसरे को भेज दें, मॉम डैड है उनको भेज दें, ऐसा नहीं कर सकते हैं। जिसको जॉब मिली है, जॉब उसे ही करनी पड़ेगी, उसकी एब्सेंस में कोई और जॉब नहीं कर सकता है। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता कि आप
कि सैलरी आपको मिलती रहे और काम कोई और करता रहे, ऐसा नहीं होता है। जो वर्कर अपॉइंट किए जाते हैं उसी को ही फर्म में आना होगा, उसी को ही काम करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जॉब मिले या प्राइवेट जॉब मिले, कोई भी एम्प्लॉय हो वो अपना जो इंटरेस्ट है उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी एम्प्लॉय ये नहीं चाहेगा कि उसका वर्कर कोई और अपॉइंट हुआ, काम कोई और कर रहा है। आपको अपॉइंट किया गया है, आपको जांच पर मतलब आपको सिलेक्ट किया गया है, कोई क्वालिफिकेशन कुछ क्वालिटीज़ आप में हैं वो दूसरे में नहीं होती हैं, तो इसीलिए आप अपना इंटरेस्ट है वो दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा एम्प्लॉयमेंट का लेक्चर। हमारा एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोज़गार, आपको सिंपल सी बात है, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आपको किसी कंपनी में जॉब करने का मौका मिलता है, और आपका एक बॉस आपको दिया जाएगा जो आपको इंस्ट्रक्शन करेगा, गाइड करेगा काम करने के लिए। तो अगर आप कोई काम करते हैं दूसरों के लिए तो वो क्या कहलाता है, हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल कहलाता है, हमारा रोज़गार लेवल कहलाता है। रोज़गार में ये फीचर्स हैं, फटाफट से आप इन्हें रिवाइज करें, अच्छे से इनके नोट्स बना लें कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर की जरूरत पड़ती है, एग्रीमेंट आपका होता है, काम करोगे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, रूल के हिसाब से आपको काम करने पड़ेंगे, आपकी कुछ क्वालिफिकेशन होंगी, ट्रेनिंग आपको दी जाएगी जैसा आपका एम्प्लॉयर चाहेगा, आपको समय समय पर आपको सैलरी वेजेस दी जाएगी, रिवॉर्ड के रूप में मॉनेटरी इंसेंटिव आपको मिलेंगे, कुछ आपको कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं है, सारा पैसा बॉस लगाएगा आपका, वही ऑनर है फर्म का। फिक्स्ड एंड रेगुलर पे, आपको पे है वो रेगुलर मिलती रहेगी, चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो तो आपको रिस्क नहीं उठाना पड़ेगा, और ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट नॉट पॉसिबल। बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर एम्प्लॉयमेंट। तो होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो हमने पढ़ लिया बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, तो आपके फर्स्ट जो चैप्टर था उसमें ये है, कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज़ हो रह गई हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा चैनल ग्रीन स्टार वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें।